morning students, welcome to class first and this is your English literature class. Children, in English literature we were studying chapter number 5, Teddy gets burnt. Teddy jal gaya. Student, previous class में हमने ये chapter start किया था. इस chapter में हमने पढ़ा था, इस chapter का हमने कुछ explanation पढ़ लिया था, कुछ explanation अभी बाकी है जो कि हम आज की class में cover करेंगे. सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, डेनिस नाम का एक चाइल्ड रहता है, उसका एक दिन बर्थडे रहता है. वो अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, उसके सारे फ्रेंड्स उसे ढेर सारे बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, जिसमें एरोप्लेन, कार, बस, बॉल और एक टेडी बियर भी रहता है. फिर अचानक से उसकी नजर एक टेबल पे रखी एक मैच बॉक्स पे पड़ती है. वो मैच बॉक्स ले आता है और जैसे ही मैच स्टिक को वो जलाता है, उस मैच स्टिक से उसकी उंगली जल जाती है, फिंगर जल जाती है और वो मैच स्टिक को छोड़ देता है. जैसे वो मैच स्टिक छोड़ता है, वो मैच स्टिक उसके टेडी बियर के लेग पे जा गिरती है, जिससे उसके टेडी बियर के लेग में आग लग जाती है. सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. सो आज की क्लास में हम इसके आगे का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट का चैप्टर है, पेन पेपर डस्ट का नहीं है, तो हम इस चैप्टर का जो भी वर्क होगा वो सिर्फ बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, हम रेस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओपन पेज नंबर 37 पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पुट योर फिंगर ऑन योर बुक. मम्मी कम सून, ही क्राइड आउट. वह चिल्लाया, यानी कि डेनिस चिल्लाया, मम्मी कम सून, मम्मी जल्दी आओ. माई टेडी इज ऑन फायर, मेरे टेडी में आग लग गई है, मेरे टेडी को आग लग गई है, मम्मी जल्दी आओ. मदर केम, मम्मी आई एंड पुट आउट द फायर. पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, और फायर को, आग को बुझाई. डेनिस हैड अ स्मॉल रेड स्पॉट ऑन हिज फिंगर. डेनिस हैड अ स्मॉल रेड स्पॉट, क्योंकि चिल्ड्रन डेनिस मैच स्टिक से जल गया था, इसलिए उसकी फिंगर में एक रेड कलर का लाल रंग का स्पॉट, धब्बा जैसा पड़ गया, क्योंकि वो जल गया था तो उस जलने का निशान पड़ गया उसकी फिंगर में. बट हिज टैडीज लेग्स वर बर्नड, लेकिन उसके टैडी का लेग पूरा जल गया था. डेनिस मैच स्टिक से अपनी उंगली में जल गया था, थोड़ा सा रेड स्पॉट पड़ गया था, लेकिन उसके टैडी का पूरा पूरा लेग जल चुका था. नेक्स्ट पैराग्राफ. डेनिस सेड हिज मदर वॉइल बैंडेजिंग हिज फिंगर. सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, डेनिस वॉइल बैंडेजिंग हिज फिंगर. आप पिक्चर में देख सकते हो, डेनिस की मदर उसकी डेनिस की फिंगर में बैंडेज कर रही है, पट्टी बांध रही है जहाँ पर वो जल गया है. तो पट्टी बांधते समय डेनिस की मदर ने डेनिस से कहा, लिटिल चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ फायर, छोटे बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए. सी वॉट कुड हैव हैपेंड टू यू. चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ फायर, छोटे बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए. सी वॉट कुड हैव हैपेंड टू यू, देखो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था. मीन्स बैंडेज करते समय डेनिस की मदर ने डेनिस को बताया कि छोटे बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए, उससे आग लग जाती है और चोट लग जाती है. ये बात डेनिस को समझाती है, लेकिन तब तक टेडी का लेग जल चुका होता है. सो चिल्ड्रन, अभी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपका ख़त्म होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करते हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 38. पेज नंबर 38 में सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट वाज डेनिस डूइंग आफ्टर द पार्टी. सो आफ्टर द पार्टी डेनिस वाज प्लेइंग विद ऑल हिज गिफ्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द गिफ्ट्स विच डेनिस गॉट ऑन हिज बर्थडे. डेनिस गॉट अ कार, अ ट्रेन, एन एरोप्लेन, अ टेडी बियर, अ बॉल. नेक्स्ट, व्हाट डिड डेनिस सी नियर द केक. डेनिस सा अ बॉक्स ऑफ मैच स्टिक नियर द केक. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड डेनिस डू विद द मैच स्टिक. डेनिस, आंसर इज, डेनिस रब्ड द मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको अपनी बुक में ही फिल करना है.
क्वेश्चन नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, डेनिस वॉज डैश विद हिज गिफ्ट प्लेइंग. टू, ही वेंट टू द डैश फॉर अ कुकी. डेनिस कहाँ गया था कुकी के लिए? टेबल. तो आंसर इज टेबल. नेक्स्ट, ही डैश द मैच ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स रब्ड. नंबर फोर, द मैच स्टिक बिगैन टू ग्लो. नंबर फाइव, चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद फायर. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हुआ. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सी, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग बताना है. इन सारे वर्ड की मीनिंग आपने अभी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा बुक में, नीचे सारे वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है. आपको वहाँ से देख के इंग्लिश मीनिंग राइट करना है. हिंदी कोई भी नहीं लिखेगा. नीचे वर्ड मीनिंग दी हुई है, आपको वही वर्ड मीनिंग कंप्लीट करनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग. बर्थडे, बर्थडे को हम किससे मैच करेंगे? पार्टी, सी से. नंबर टू, टेडी, टेडी को किससे मैच करेंगे? बियर. नंबर ई से. थ्री, बॉक्स, बॉक्स क्या था? मैच स्टिक का बॉक्स था, तो थ्री को हम ए से मैच करेंगे. नंबर फोर, मैच क्या? मैच को हम स्टिक से मैच करेंगे, मैच स्टिक. नंबर फाइव, ट्रेन, ट्रेन कहाँ थी? ऑन रेल्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. स्टूडेंट, ये सारे वर्ड्स इनकम्प्लीट है. ये सारे वर्ड्स आपके इसी चैप्टर के हैं. सो जितने भी मिसिंग लेटर है हमें इन्हें फिल करना है. और आप बहुत ही अच्छे से इसे देख के फिल करिएगा. एक एक लेटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड आप कैपिटल लेटर में ही इसे फिल करेंगे. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 40, ग्रामर. स्टूडेंट, यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ग्रामर पोर्शन, ये आपका होमवर्क है. ओके, अभी तक आपने जितने एक्सरसाइजेस की वो आपका क्लास वर्क था और ये आपका होमवर्क है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इसमें पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब लगाना है. ठीक है, सो नंबर वन, मम्मी कम सून ही क्राइड आउट. अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप लगाया. ध्यान से आपको ये सारे मार्क्स लगाना है. ओके, सो आप बहुत ही केयरफुली इसे देखेंगे, इसे रीड करेंगे, उसके बाद आप इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल ऑल द प्रॉपर नाउन्स. इसमें आपको प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है. स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक किसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो नंबर वन, डेनिस हैड अ पार्टी एट द ताज होटल. तो इसमें क्या है ऐसा जो सिर्फ एक के लिए यूज़ हुआ हो, डेनिस और ताज होटल. सेकंड, जिम एंड हिज सिस्टर वर इनवाइटेड. सो इसमें आपका प्रॉपर नाउन क्या होगा? जिम. नेक्स्ट, हिज सिस्टर. नंबर थ्री, वी नीड टू कॉल सुशांत्स ब्रदर फॉर टी. यहाँ प्रॉपर नाउन क्या हुआ? सुशांत्स ब्रदर. नेक्स्ट, मिस्टर जैक्सन इज टॉम्स फादर. यहाँ आपका प्रॉपर नाउन क्या हुआ? मिस्टर जैक्सन एंड टॉम्स फादर. नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो. यहाँ प्रॉपर नाउन क्या हुआ? दिल्ली. तो हम जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उन्हें हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स आपको फिल करना है. नंबर वन, वी वेंट फॉर अ ड्राइव इन अ डैश पार्क. दीज डैश बिलोंग टू माई सिस्टर. या हम क्या फिल करेंगे? शूज. नेक्स्ट, हिज डैश हैज अ क्यूट टेडी. हिज ब्रदर हैज अ क्यूट टेडी. नेक्स्ट, माई मदर इज अ डैश हाउस वाइफ. दिस बर्थडे डैश इज टेस्टी केक. ये आपके हुए कॉमन नाउन्स, इसे आपको फिल करना है. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट प्रोनाउन्स. स्टूडेंट, प्रोनाउन्स क्या होते हैं? जो नाउन्स के प्लेस में यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन्स कहते हैं. सो हमें आप प्रोनाउन्स फिल करना स्टार्ट करेंगे. नंबर वन, डेनिस वॉज हैप्पी. इट वॉज डैश बर्थडे. उसके बर्थडे के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिज. नेक्स्ट, डेनिस टुक आउट अ मैच ही वॉन्टेड टू लाइट. क्या यूज़ करेंगे हम? क्योंकि मैचस्टिक एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट. नेक्स्ट, फादर पुट द कैंडल ऑन द केक देन डैश लेट इट. किसने जलाया? फादर ने. फादर के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? ही. नेक्स्ट, मम्मी केम सून
डैश टोल्ड हिम नॉट टू प्ले विथ फायर. यहाँ मम्मी ने कहा, तो मम्मी एक फीमेल है तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी. नेक्स्ट, मम्मी हेल्ड अप टेडी डैश इट हैड गॉट बर्नड. टेडी क्या है, एक नॉन लिविंग है, इसलिए हम टेडी के लिए इट यूज़ करेंगे, इट हैड गॉट बर्नड. ओके क्लियर स्टूडेंट, ये आपको प्रोनाउन फिल करने हैं. नेक्स्ट है कंपोजिशन, पेज नंबर 42. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ. एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, ऊपर आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स है, आपको यही से स्टोरी इस पैराग्राफ को रीड करना है. रीड करके कौन सा वर्ड कहाँ सुटेबल लगेगा वो वहाँ पर हमें फिल करना है. ओके, सो अ मैन डैश अ मैच एंड थ्रू इट ऑन द ड्राई डैश, यानी कि एक मैन, एक आदमी ने लिट जलाई, एक मैच स्टिक मतलब मैच आग जलाई, एक माचिस की स्टिक को जलाया एंड थ्रू इट ऑन द ड्राई ग्रास. फिल करेंगे यहाँ, और उसने सूखी घास में उसे फेंक दिया. द ग्रास बिगैन टू बर्न, ग्रास आग जलना शुरू हो गई. देयर वॉज अ ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा, वहाँ पे हवा चल रही थी. द फायर बिगैन टू स्प्रेड, आग पूरे जगह फैलने लगी. सून अ ट्री कॉट फायर, जल्द ही आग एक पेड़ में लग गए. बिफोर इट कुड स्प्रेड एनी मोर अ फायर इंजन केम एंड पुट आउट द फायर, इससे पहले कि आग और कहीं फैल सके एक फायर इंजन आया और आग को बुझा दिया. सो चिल्ड्रन, ये था एक पैराग्राफ जिसमें हमने वर्ड्स ऊपर क्लू बॉक्स की हेल्प से फिल किए. क्लियर. एंड स्टूडेंट, पेज नंबर 43 इज़ योर होमवर्क. आपको इन सारे डॉट्स को एक दूसरे से मैच करके देन इसे कम्प्लीट, इस पिक्चर को कम्प्लीट करके कलर करना है. ओके, सो स्टूडेंट, अभी आपने आज की वीडियो में सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की है, लेकिन आपको दोनों अलग अलग करना है. मीन्स आपको कुछ एक्सरसाइजेस आपको क्लास वर्क में करना है, कुछ एक्सरसाइजेस आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. सो पेज नंबर 38 और 39 की जितनी भी एक्सरसाइजेज है आपको उसे क्लास वर्क में करना है, मीन्स आज करना है. क्लियर. क्लास वर्क में सिर्फ पेज नंबर 38 और 39 आप फिल करोगे, इसके अलावा कोई नहीं. ओके, एंड होमवर्क में आप पेज नंबर 40, 41, 42, 43 इन फोर पेज की एक्सरसाइजेस को आप होमवर्क में करोगे. स्टूडेंट क्लियर है, 38, 39 को आपको क्लास वर्क में करना है और होमवर्क के आपको फोर पेज कंप्लीट करना है. पेज नंबर 40, 41, 42, 43 क्लास वर्क और होमवर्क को मैच मत करिएगा. जितनी भी एक्सरसाइज मैंने क्लास वर्क के लिए बोली वो आप उसमें करना, जो होमवर्क के लिए वो होमवर्क में ही करना. क्लियर.